गोरखपुर के तिवारीपुर पुलिस ने फरार हिस्ट्री शीटर रिंकू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से दो तमंचा और कारतूस बरामद किया है। दिलचस्प है कि शातिर बदमाश रिंकू पर पहले से ही 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें लूट, हत्या, चोरी और अपहरण के संगीन धाराओं में केस दर्ज है। वहीं वांछित बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर SSP ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। तिवारीपुर पुलिस ने कंचरपुर तिराहे के पास से शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए CO कोतवाली BP सिंह ने बताया कि दरअसल शातिर रिंकू ने अपने साथी के साथ 15 जून को चैन स्निचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इसके साथी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तिवारीपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 25,000 के वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। CO के मुताबिक शातिर बदमाश 21 संगीन धाराओं से पहले से ही मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा 2-3 आपराधिक मामले अन्य थाने में प्रकाश में आया है। फिलहाल शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CO कोतवाली BP सिंह ने कहा, थाना तिवारीपुर क्षेत्र में विगत 15-20 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें चैन तोड़ दिया गया था। शादी समारोह से वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे। उस संबंध में SSP महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि इसका शीघ्र अनावरण करें, जिसकी पतारसी सुधारसी में प्रभारी थाना श्री सत्यप्रकाश सिंह और उनकी टीम को लगाया गया था। और एक बदमाश रिंकू साकिर पुत्र जली निवासी घासी कटरा थाना तिवारीपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम SSP महोदय द्वारा घोषित किया गया था। एक साथी इसका पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। 25,000 का इनामी था जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक कुल 21 मुकदमे पाए गए हैं। ये थाने का हिस्ट्री शीटर है और अभी 2-3 मुकदमे की और पता जानकारी मिली है कि ये थाना गोरखनाथ में इसके विरुद्ध पंजीकृत है। मुठभेड़ के भी हैं और कई अपराध, ये हत्या, चोरी और शस्त्र अपहरण, इन सब में उसके पूर्व में जेल जा चुका है।